किसी ने यह कितना खूबसूरत लिखा है कि ईश्वर टूटी हुई चीज से बहुत सुंदरता से काम लेता है। बादल टूटती है तो बारिश होती है, मिट्टी टूटती है तो खेत बनते हैं, फसल टूटती है तो अनाज बीज बनता है, बीज टूटता है तो नया पौधा बनता है। समुद्र मंथन सा लग रहा है यह साल, लेकिन हमें पूरा विश्वास है इतना विष निकल रहा है तो अमृत भी जरूर निकलेगा। इसी कामना के साथ लुंगला वासियों का भी भाग्य कभी तो उदय होगा। यहाँ का हर नागरिक को भी किसी भी विकसित देश की हर सुख सुविधा का लाभ मिलेगा। अपने जीवन के अंतिम सांस तक हमारे अति प्रिय नेता स्वर्गीय जम्बे ताशी ने अपने आप को लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। आज का यह आधुनिक लुंगला देश के किसी भी विकसित क्षेत्र से पीछे नहीं है। ठेक्षी, खोबलेतेंग, शुरबिन, मुक्तुर, आज ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहां किसी को पैदल चलकर थकान भरे सफर तय करना पड़ता हो। आज किसी भी भक्त को अपने इष्ट देवता का दर्शन या धार्मिक स्थलों तक पहुंचने के लिए पूरे सजो सामान के साथ पैदल चलने की कोई जरूरत नहीं। फिर वो चाहे दुबले गोंदपा हो, पवित्र तीर्थ स्थल घोमशिंग हो, लुम्पो का सरसांग गोंदपा हो या खेंजामणि में परम पावन चौदहवीं दलाई लामा द्वारा लगाया गया होली ट्री। लोगों की अपनी परंपरा और धार्मिक श्रद्धा को विशेष ध्यान देते हुए स्वर्गीय जम्बे ताशी ने लुंगला क्षेत्र के विधायक चुने जाने के तुरंत बाद ही सबसे पहले निर्माणाधीन देवी तारा की मूर्ति दुलमा लगंग को पूरा किया। फिर क्या, इसके बाद तो आपने लुम्पो में गुरु पद्म संभव तो ब्लेटिंग में अति विशाल आर्य मैत्रीय जम्बा लगंग का निर्माण किया। श्री जम्बे ताशी ने सिर्फ नई गोंपाओं को ही महत्व नहीं दिया बल्कि अति प्राचीन लुंगला के इतिहास को पुनर्जीवित करते हुए दुबले गोंपा और दुदुंगर में जंगदो पेरी जैसे मठों को पुनः निर्माण कर वक्त की धूल में खोते इतिहास को लोगों की याददाश्त में फिर से ताजा कर दिया। किसी भी समाज को विकास के पटरी में आगे ले जाने के लिए शिक्षा अहम भूमिका अदा करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए श्री जम्बे ताशी ने लुंगला क्षेत्र में कई शिक्षा संस्थाओं को शुरू करते हुए एक नई क्रांति की शुरुआत की। हायर सेकेंडरी स्कूल लुंगला को बेहतर रूप देते हुए नए बिल्डिंग का निर्माण कर इसमें साइंस स्ट्रीम की सुविधा भी उपलब्ध कराया और हमें यह बताते हुए आज बहुत ही गर्व होता है कि पूरे अरुणाचल राज्य में अब की बार 12वीं कक्षा में विद्यार्थियों ने 91% परीक्षा परिणाम देकर स्वर्गीय जम्बे ताशी के सपनों को साकार करने की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाया है। स्वर्गीय श्री जम्बे ताशी ने केवल सरकारी स्कूलों को ही नहीं बल्कि लुंगला क्षेत्र के तमाम निजी स्कूलों जैसे जमसे गजल, चौंघापा विद्यालय और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल को भी हर संभव सहायता और मदद पहुँचाया। लुंगला क्षेत्र के लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए श्री जम्बे ताशी ने लगभग हर गांव में सब सेंटर और लुंगला मुख्यालय में हर आधुनिक उपकरणों से लैस पीएचसी लुंगला को सीएचसी लुंगला में तब्दील कर लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, दूर दुर्गम इलाकों में रह रहे ग्रामवासियों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उनके घर द्वार तक उपलब्ध कराने की दिशा से श्री जम्बे ताशी ने देश के बेहतरीन चिकित्सकों को लुंगला क्षेत्र में आमंत्रित कर गांव-गांव में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर समय समय पर लोगों को इसकी सेवा देते रहा। इस तनाव बड़े आधुनिक युग में लोग आधुनिक उपकरणों की सुख सुविधा का लाभ लेते हुए अपने स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं खो देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए श्री जम्बे ताशी ने लोगों का ध्यान खेलकूद और व्यायाम के प्रति आकर्षित किया और इसके लिए अति उत्तम ओपन जिम, लगभग हर बड़े गांव में बैडमिंटन कोर्ट, लुंगला में आर्चरी स्टेडियम और लुंगला और जिमीथंग में ओपन गार्डन जिम की सुविधा लोगों को दिया। श्री जम्बे ताशी स्वयं भी खेलकूद में बहुत रुचि लेते थे तथा अक्सर लुंगला वासियों को मैराथन, आर्चरी और साइकिलिंग जैसे खेलों में शामिल किया करते थे। लुंगला क्षेत्र को हर तरह से सशक्त करने की दृष्टि से श्री जम्बे ताशी ने कई सारे सरकारी विभाग के नए कार्यालयों का निर्माण करवाया जिसमें पीडब्ल्यूडी,
RWD और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस जैसे विभागों को प्राथमिकता दिया गया। प्रशासनिक सुविधाओं का लाभ हर ग्रामवासी को मिले, इसके लिए श्री जम्बेटाशी ने जिमीथांग सर्किल मुख्यालय को अपग्रेड करते हुए EAC हेडक्वार्टर्स बनाया और पामाखर को नए सर्किल हेडक्वार्टर का दर्जा दिलाया। अपने परम गुरु को गुरु दक्षिणा के भाव से श्री जम्बेटाशी ने परम पावन चौदहवें दलाई लामा द्वारा सन 1959 में केंजामनीज में प्रवेश से लेकर आगे मुख्य भूमि तक परम पावन द्वारा लिए गए पैदल सड़क को द एग्जाइल ट्रेल ऑफ हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा ग्यावसंग ग्यात्सो के नाम से अभी विकसित किया जा रहा है। वैसे तो माँ प्रकृति ने लुंगला क्षेत्र को अपनी चुनिंदा खूबियों का वरदान दिया हुआ है, लेकिन जीवन के लिए अति आवश्यक पेयजल की कमी ने हमेशा लुंगला वासियों को परेशानी में रखा और इसी समस्या का भी हल करते हुए श्री जम्बेटाशी ने अब लुंगला मुख्यालय और इसके आसपास के क्षेत्रों को भी 24 घंटे 7 दिन पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का काम जोर शोर से चल रहा है। इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से श्री जम्बेटाशी द्वारा उठाए गए कार्यों की चर्चा करना घाघर में सागर को भरने जैसा होगा, लेकिन अपने प्रिय नेता को यह छोटी सी श्रद्धांजलि है। आज का यह चमकता धमकता लुंगला स्वर्गीय जम्बेटाशी के अथक प्रयासों और सेवा का परिणाम है। इस लुंगला को और आगे लेकर चलना है, हम सबको अपने दिवंगत नेता की इन बातों को याद रखना है।